लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। भारत से भागकर ब्रिटेन में छुपे बैठे शराब कारोबारी विजय माल्या के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। दरअसल माल्या भारत के बैंकों से हजारों करोड़ रुपए का लोन लेकर फरार हुए थे। भारत ने तो माल्या को पहले ही भगोड़ा घोषित कर दिया था, लेकिन माल्या को लग रहा था कि वो ब्रिटेन जाकर बच जाएंगे। ब्रिटेन की कोर्ट ने माल्या को झटका देते हुए भगोड़ा करार दिया। बता दें कि इससे पहले ही कोर्ट ने भारत के बैंकों को विजय माल्या से पैसा वसूलने की इजाजत दे दी है। इसके पीछे की वजह देते हुए ब्रिटिश कोर्ट के जज एंड्रयू हेनशॉ ने कहा कि माल्या लगातार भारत वापस भेजे जाने का विरोध कर रहा है, यही विजय माल्या को कानून से भगोड़ा करार दिए जाने का आधार है। भारत के 13 बैंकों के समूह ने माल्या से 1.55 अरब डॉलर 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली के लिए यहां एक मामला दर्ज कराया था। एक दिन पहले ही माल्या यह केस हार गया था। कोर्ट ने बैंकों माल्या से कर्ज की रकम वसूलने की इजाजत दी थी। माल्या को भारत से भगोड़ा पहले ही घोषित किया जा चुका है। माल्या पर आरोप है कि उसने किंगफिशर एयरलाइंस के लिए गए लगभग 9,400 करोड़ रुपए के कर्ज को जानबूझकर नहीं चुकाया। जज हेनशॉ ने माल्या की वह याचिका भी खारिज कर दी, जिसमें उसने दुनिया भर में फैली अपनी संपत्ति को फ्रीज करने के आदेश को वापस लेने की गुहार लगाई थी।